आइए जानते हैं अनुसमर्थन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अनुसमर्थन को इंग्लिश में कहते हैं रेटिफिकेशन। उदाहरण के लिए, समझौता संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है। इसका मीनिंग हुआ, यदि कोई समझौता हुआ है तो वो तब लागू होगा जब वो संसद से पास हो जाएगा। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे द एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट।